देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी, मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। दुनिया के कई देशों में भारतीय गेहूं की मांग बढ़ी है। दुनिया भर में बदलते हालात, खपत, भारतीय की विदेश नीति के चलते दुनिया के कई देशों में भारतीय गेहूं अपनी जगह बनाने में सफल रहा है। इस वजह से एक साल के अंदर ही भारतीय गेहूं के निर्यात में 3.5 गुना से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस की कीमत दोगुनी से ज्यादा कर दी है। ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ने से कारण ये उछाल आया है। गैस की कीमतों में बढ़ोतरी से दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में सीएनजी और पीएनजी की दरों में 10 से 15% की बढ़ोतरी हो सकती है। महीने के पहले दिन आज 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 250 रुपए प्रति महंगी हो गई है। दिल्ली में अब ये 2553 रुपए का मिलेगा। फिलहाल 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मंडी में अरहर और उड़द दाल की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से अधिक चल रही है। बावजूद इसके किसानों में नाराजगी है। मंगलवार को उपभोक्ता कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अरहर और उड़द दाल के आयात को मार्च 2023 तक के लिए मुक्त श्रेणी में रखने का निर्णय लिया था। किसानों का ये कहना है कि सरकार के इस फैसले से अरहर उड़द की कीमत गिर जाएगी। महाराष्ट्र में एक तरफ जहां कपास को रिकॉर्ड भाव मिल रहा है, वहीं सोयाबीन के भाव में कमी देखी जा रही है। इस समय लातूर की कृषि मंडी में जो सोयाबीन पिछले महीने से 7,200 रुपए प्रति पर स्थिर था, वहीं उसमें अब सिर्फ 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। देश व विदेशी स्रोतों से लिया गया कर्ज दिसंबर 2021 को समाप्त तिमाही में 11.5 अरब डॉलर बढ़कर 614.9 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। वहीं जीडीपी अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज पिछले साल दिसंबर के अंत में 20% रहा, जो सितंबर 2021 में 20.3% था। कच्चा तेल $100 से नीचे खिसकने के साथ लगभग 2 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट की ओर बढ़ रहा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के स्ट्रैटेजिक यूएस रिजर्व्स को रिलीज करने के आदेश के साथ कीमतों में गिरावट आई है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने खाद्य तेलों के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और पहल की है, जिसके तहत अब तिलहन और ऑयल पाम की तरह ही सूरजमुखी उत्पादन को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण आपूर्ति संकट को देखते हुए खाद्य तेल एवं तिलहनों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर तक के लिए इनकी भंडारण सीमा तय कर दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन जेट ईंधन यानी कि ATF की कीमत में 2% बढ़कर 1,12,924.83 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई है। बता दें कि तेल कंपनियों ने पिछले 10 दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 6.40 रुपए की बढ़ोतरी की है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में आज बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।